मनुष्यों के सब कुछ क्या है यार, मुझे नहीं जाना वहाँ पे। वो लड़की बदतमीज होगी, उसको बात करने की तमीज नहीं। अब आई एम नॉट गोइंग। चलो ना यार, आज तो सेलिब्रेशन कर देना, पर छोड़ो उस रूही को। तुम वो सोचो जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा उन्हें रोते हुए देख के। सब सब मेलोड्रामेटिक सिचुएशन होगा, सब रो रहे होंगे, मर रहे होंगे, फुल फिल्मी स्टफ। पर मुझे तो वैसे भी रमन को टूटते हुए देखना। Yes, you're right. सही प्लान है ये, बहुत मजा आने वाला है सब कुछ। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि उनके घाव पर जरा और नमक छिड़के। वैसा करते हैं कि रूही को कहीं डिनर पर लेकर चलते हैं। और वैसे भी मल्ला फैमिली ने तो प्लान किया ही होगा रूही के लिए कुछ, क्योंकि उसकी लास्ट नाइट है उनके साथ। तो हम जाकर रूही को ले जाते हैं, थोड़ा और रोते हुए देख लेंगे। तो कैसे आदमी हो यार, मतलब तुम्हारा दिमाग है कि शैतान का घर है जो ऐसे शैतानी आइडिया तुम्हारे दिमाग में आते हैं। रूही को घर से बाहर ले जाने के लिए प्लान बिल्कुल ठीक है, डिनर पे जाना। और इसी बहाने में उसके सारे तमाशे ही बंद कर दूंगी, उसे सुधार भी दूंगी। थोड़ी ठंड रखो, वैसे भी अब वो तुम्हारे साथ रहने वाली है, तो तुम जब भी चाहो हंटर यूज कर सकते हो। चलो देखते हैं उनका तमाशा। क्या हुआ अर्षिता, तुम ठीक तो हो ना? नहीं मतलब तुम इतना टेंशन में दिख रही हो, तो ऑल ओके? वैसे तो बड़ा तुम शेरनी बनी घूमती हो, आज क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे पति से तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? ओ नहीं नहीं, लो मैं भी ना रूही के लिए परेशान हो ना, कि तुम्हारी बच्ची तुमसे दूर जा रही है, तुम्हारी रूही, अपनी रूही, जिसके लिए तुमने इतना सब कुछ किया, इतनी मेहनत की, इतने हाथ पैर पटके, उसके लिए तुम्हें पहले ही मैंने समझाया था इशिता, छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। रूही को मेरे ही साथ आना था, और देखो इट्स हाई टाइम, अब तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि रूही मेरी ही थी और मेरे साथ ही रहने वाली थी। प्लीज ऐसे मत करो ना हमारे साथ, इतनी बड़ी सजा मत दो। तुम्हें देखा, एक महीने हमने सब कुछ किया तुम्हारे लिए, तुम्हें मालूम तुम्हारे लिए कितना तड़पते, तुमसे कितना प्यार करते, परिवार तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रूही, तभी तभी सब लोग इतनी कोशिशें कर रहे हैं, नहीं तो कोई क्यों करेगा इतना सब कुछ रूही? एवरीबडी वांट्स यू हियर। तुमने कहा था जज से कि सब लोग अगर एक हो गए, परिवार एक हो गया, तो तुम यहाँ रह जाओगे। रूही प्लीज अभी रहो ना यहाँ पे, क्यों जा रही हो तुम इस वारिस के साथ? रूही तुम्हें मालूम है हम लोग बहुत प्यार करते हैं, प्लीज ना रूही बेटा, प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक बंद कीजिए ये सब। कितनी बार आप लोग मुझे एक की एक बात बोलने में मजबूर करने वाले हैं? आप लोगों को क्या लगता नहीं है कि मुझे आप लोगों की फेकनेस दिखाई देती है? और आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि मेरे जाने के बाद सब वैसे के वैसे ही हो जाएंगे? एंड अगर मैं यहाँ रह भी गई तो मुझे पता नहीं है कि यहाँ क्या हालत है सबकी? रोमी चाचू यहाँ रहना ही नहीं चाहते, वो अपने घर जाना चाहते हैं। हाउ कैन आई फॉरगेट, पापा और शगुन मम्मा की तो शादी होने वाली थी ना, तो उसका क्या हुआ? हाँ क्या हुआ उसका? आप लोग ना ये झूठा हैप्पी फैमिली का ड्रामा प्लीज बंद कर दीजिए, बहुत हो गया। अगर आप और पापा सचमुच में एक दूसरे से प्यार करते ना, तो आप दोनों कभी अलग होते ही नहीं। और पापा, पापा कभी भी शगुन मम्मा से शादी करने के लिए हाँ बोलते ही नहीं। तो प्लीज आप दोनों अपना ये ड्रामा बंद कर दीजिए, ये सब मेरे सामने और नहीं चलने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रह रहे हो। एक काउच पे सोता है और एक बेड पे, ऐसे रह रहे हो ना आप दोनों एक दूसरे के साथ। यू नो व्हाट, ये जो आप लोगों ने सब सेटअप किया है ना, ये आप लोगों के लिए गेम है। जैसे आप लोगों ने पीहू को बोल के रखा है कि बेटा ये तो एक गेम है जिसमें हम सबको जीतना है, मैं ना ऐसी गेम का पार्ट नहीं बनने वाली, सो प्लीज जस्ट फॉरगेट इट। कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों मुझे प्रूफ कर दो कि आप लोग जो भी कर रहे हो ये सब रियल है और फेक नहीं है,
और ये कोई नाटक नहीं है। आप दोनों एक दूसरे से शादी कर लो। मैं भी देखती हूँ कि कौन कितना सच बोल रहा है। अगर आप लोग दोनों एक दूसरे से शादी कर लोगे तो मैं भी यहाँ रुक जाऊंगी। क्या हुआ, दोनों चुप हो गए? मैंने कहा था ना, आप लोग दोनों जो भी कर रहे हो ये सब ड्रामा है, और ये सिर्फ मेरे लिए, मुझे दिखाने के लिए। कितना ड्रामा कर लोगे आप लोग, मुझे पता है आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हो। हाँ, हम कर सकते हैं। क्या? हाँ, मैं इशिता से शादी कर सकता हूँ। अगर मेरी बच्ची को वापस पाने की यही कीमत है तो मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मैं शादी करूंगा इशिता से। शर्त रखी है तुमने? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें पता नहीं है ये लोग कैसे हैं? तुम्हारे साथ आज तक झूठे वादे करते आए हैं, तुम्हें धोखे में रखा है। अरे नौटंकी कर रहे हैं फिर से रूही ये लोग। शादी करेंगे लोग, तुम्हें दिखता है? टाइम वेस्ट कर रही है लोगों के साथ अपना रह के। अपना सामान बांधो और अभी अभी मेरे साथ चलो। तुम एक सुपरस्टार हो, एक पॉप स्टार हो, रूही अंडरस्टैंड दिस थिंग। तुम क्यों कर रही हो सब कुछ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ये रमन, ये शादी करेगा? नौटंकी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तुम्हें सिर्फ यहाँ पे रखने के लिए कि इनकी बेटी यहाँ पे रह जाए। तुम यहाँ पे रह जाओ और ये वापस तुम्हें फूल बना सके, तुम्हें धोखा दे सके नौटंकी करके। तुमने सुना ना मेरे पति ने क्या कहा? मैं और रमन शादी करेंगे एक दूसरे से। ये बात एक माँ बोल रही है जो अपने बच्चों के लिए अंगारों पे भी चल सकती है, और हम दोनों हमारी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लीज अब आग लगाना बंद करो, अपने बैग्स पैक करो और जाओ वापस ऑस्ट्रेलिया। हमारी बेटी ने हमारे सामने एक शर्त रखी और हमने मान ली। कोर्ट के ऑर्डर खत्म होने में सिर्फ 2 दिन है, और 2 दिन के अंदर अंदर मेरी और रमन की शादी हो जाएगी। रूही तुम्हारे साथ कभी नहीं आएगी वापस, याद रखो इस बात को। ओह प्लीज इशिता, ये अपनी खोखली और झूठी धमकियां ना किसी और को देना। निधि डरने वालों में से नहीं, और ना ही मैं डरने वाली हूँ। और इस घर में आज से किसकी शादी हुई है पूरी? हाँ, सबकी तो अधूरी शादी रही है। मुझे देख लो, शगुन को देख लो। बस बहुत बोल लिया तुमने, अब जाओ यहाँ से चुपचाप। हमारे घर में शादी है और मुझे और मेरी बेटी को तैयारियां करनी है। तुम्हें जितना, तुमने सुना नहीं इसी माने क्या कहा? चल। चलो। सीरियसली शीता, कितना गिरोगी तुम? कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन गिर गिर के इतना गिर जाओ कि तुम खड़ी ना हो पाओ। अपनी ड्रामे बंद करो ममता वाले। अब ये इमोशनल टॉर्चर तुम्हारा सबके ऊपर जो होता है, सब जानते हैं कि तुम्हारा और रमन का रिश्ता कैसा है, समझी? तुम क्या स्टैंड रखती हो उसकी लाइफ में, सब पता है मुझे। रमन की जिंदगी में मेरी क्या जगह है, उससे ज्यादा मायने ये रखता है कि मेरी बेटी की मेरी जिंदगी में क्या जगह है। तुम्हारे लिए खेल है निधि और कुछ नहीं, पर मेरे लिए मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए निधि, मैं और रमन तो शादी कर रहे हैं, और उसके बाद रूही हमेशा के लिए हमारे पास रहेगी। तो अब तुम अपने ड्रामे बंद करो और चुपचाप यहां से चली जाओ। यू जस्ट हिम्मत भी मत करना मेरी भाभी पे हाथ उठाने की, समझी? वरना तेरे हाथ तोड़ दूंगा। अशोक से ले जा यहां से, वरना मैं पार्टनरशिप और दोस्ती सब भूल के कुछ उल्टा कर बैठूंगा। ले जा।
मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं शीता। यू जस्ट वेट एंड वॉच। कर रही थी तुम उस इशिता पर अटैक कर रही थी तुम। What's wrong with you? तुम अंधे हो गए थे? तुम्हें दिखाई नहीं दिया अंदर क्या हो रहा था? मेरे हाथ से बाजी निकलती जा रही, मैं हार रही हूँ। रूही मेरे हाथ से निकल जाएगी अशोक। Calm down निधि, ये काम गुस्से से हल नहीं होगा। हमें जोश से नहीं होश से काम लेना। ओके अच्छा, यू मीन टू से काम डाउन, मैं शांत हो जाऊँ, एकदम शांत बिहेव करूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? आर यू मैड? मैं रूही को खो दूंगी ऐसे अशोक। मैं जानता हूँ ये शादी नहीं होने वाली, और जब रूही को पता चलेगा कि ये लोग कितना झूठ बोल सकते हैं उससे, तो अपने आप वो हमारे पास आ जाएगी। कि तुम शांत रहो बस, मैं जानता हूं लोगों को। ओह हाय, तुम दोनों अभी तक यही हो? मुझे तो लगा कि तुम डर के भाग गई होगी। एनीवे मैं पूरी सोसाइटी में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही थी। अक्का और जीजू की फिर से शादी हो रही है, इतनी बड़ी खुशखबरी है। ये लो तुम भी मिठाई खाओ। एक्चुअली तुम एक नहीं, तुम दो डब्बे रखो। वो क्या है ना, तुम्हारा शुगर लेवल भी लो हो गया होगा, तो तुम्हें तो मीठे की सबसे ज्यादा जरूरत है ना? लो लो, शर्माओ मत, लो ना खा लो। स्टॉप, स्टॉप। यानी हाँ अनिल, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, बस तो एक बार सब कुछ चेक कर ले। रमन, Are you sure? आपने मना क्यों नहीं किया वहाँ पे? I'm very sure. अगर रूही को वापस लाने का यही तरीका है कि मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी, तो मैं शादी कर लूँगा। और शकुन का क्या रमन? आप उससे शादी करने वाले थे। एक बार भी आपने नहीं सोचा कि उसका क्या होगा? एक बार बात तो करते उससे कम से कम। क्या बात करनी है शीता? इतनी इंपॉर्टेंट बात के बारे में क्या पूछना? अगर रूही ने शर्त रखी और यही तरीका है, तुम्हें यही करना होगा। अगर तुम्हारे पति पत्नी बनने से रूही यहां रुक जाएगी, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगी, तो हमें यही करना होगा। यही सही है रमन। शकुन, मैं ये करने नहीं आई हूं यहां। हमें रूही चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहती हूँ। किस जगह की बात कर रही? ये जगह कभी मेरी थी ही नहीं, ये जगह हमेशा तुम्हारी थी शीता। हाँ, होप्स जगी थी, क्योंकि पीहू के लिए एक झूठी तस्वीर बनाई थी मैंने। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे बुरा नहीं लगा, ये नहीं कहूंगी दैट आई वाज़न्ट इनसिक्योर। मैं इनसिक्योर थी, मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने तुम्हें रूही के साथ देखा। बुरा लगा जब तुम रोमी को इस घर में लाई, जब तुम पीहू के स्कूल में गई। आई फेल्ट रियली बैड, लेकिन फिर आदि ने मुझे समझाया। रमन, निशिता, तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। शीता, तुम मेरे और रमन के बीच में नहीं आ रही थी, मैं तुम्हारे और रमन के बीच में आ रही थी। और रमन, अगर इसने मुझसे शादी कर भी ली, वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रहेगा, वो तुम्हारे साथ खुश रहेगा। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, यू गाइस आर परफेक्ट। और मेरा क्या, परिवार है, सब है मेरे पास। रमन के साथ शादी करके मैं एक अनहैप्पी मैरिज में नहीं रहना चाहती, और पूरा परिवार भी यही चाहता है। रूही ने शर्त रखी है, यही हमारे लिए सही है। तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। और पीहू को मैं समझा लूंगी। मैं और पीहू कहीं बाहर चले जाएंगे और समहाउ मैं उसे एक्सप्लेन कर लूंगी, विद टाइम वो भी समझ जाएगी। अब हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आई थिंक तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं, पीहू की मम्मी यहाँ से नहीं जा सकती। तुम नहीं जाओगी यहाँ से। प्लीज शीता, मुझे किसी भी तरह रूही वापस चाहिए। मैं चाहती हूँ कि
रूही वापस आ जाए। तुम दोनों शादी कर रहे हो, बहुत बहुत थैंक यू पुत्र। तेरा ये बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे। माता रानी तेरे हमेशा खुश रखे पुत्र। थैंक यू शकुन। आई एम सो हैप्पी पापा, फाइनली आप और रिशिमा शादी कर रहे हो। फाइनली सब कुछ सही हो रहा है और मैं जानता था ऐसा ही होगा। आप और रिश्मा कभी अलग नहीं हो सकते। एंड आई नो पापा, आप ये शादी सिर्फ रूही के लिए नहीं कर रहे हो। रिश्मा की आपकी लाइफ में क्या जगह है ये आप अच्छे से जानते हो, है ना पापा? You're right, आदि। कभी कभी सोचते हैं कि ये बेकार की नेगेटिविटी, बेकार का गुस्सा, बेकार की फ्रस्ट्रेशन हम अंदर ही अंदर रखते हैं, इसकी वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं, लोगों के बीच दूरियां आ जाती, बोझ होता है बहुत बड़ा। तो इसलिए मैंने फाइनली आज सब कुछ भुला दिया, सारी नेगेटिविटी, सारी दुनिया, सब कुछ। एंड ट्रस्ट मी, आई फील मच मोर लाइटर बिकॉज़ आई रिमेंबर वन थिंग। उनसे अपसेट होते हैं, उनसे नाराज होते हैं जिनसे सबसे ज्यादा प्यार भी करते हैं, और जिनसे प्यार करते हैं उनसे माफी मांगने में देरी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ अगर वो एक बार उठ के चले गए बहुत तकलीफ होती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं उसे अपनी मेहनत में पानी नहीं भरने दूंगी यार। मैंने उसे 3 साल पाला, उसका ध्यान रखा, उसे सुपरस्टार बनाया है। Not possible. I have to do something. ऐसा नहीं हो सकता। तू आई, मैं उसे कॉल करती हूँ। Calm down. Calm down. मैं उसे कॉल करती हूँ। Calm down. निधि और रूही दीदी, आप मुझे आज रात स्टोरी सुनाओगे ना? हाँ मेरी प्रिंसेस। रूही दीदी, आप मेरे लिए एक काम करोगे? बोलो ना। आप मेरे लिए अपनी आवाज में स्टोरीज रिकॉर्ड करोगे? जब आप आ नहीं रहोगे तो मैं उसे सुनूंगी। फोन नहीं उठा रही है। रुको, मैं फोन लेकर आती हूँ। फोन नहीं दिखता तुम्हें? वो मैं आज ठीक है, इट्स ओके। रोहित देखो बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि कहा ना मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकती। चलो भी हूँ, हाँ मेरा फोन कर रही थी। मेरा एहसान भूल गई, मैंने आज तक किसी पाला है, इस सुपरस्टार बना है, सब भूल गई ये। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती अशोक, बस उस इशिता के सामने मैं अपने घुटने नहीं टेक सकती। I have to do something. You know what? मुझे लग रहा है लड़की मेरे साथ गेम खेल रही, ये उनके साथ गेम नहीं खेल रही, मुझे बेवकूफ बना रही है, मुझे बेवकूफ समझती है। पर मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैडम, मैं रूही को किडनैप करवा दूंगी। Yes. मैं उन दोनों की शादी होने से पहले उसे किडनैप करवा दूंगी अशोक। मैं अपनी मेहनत कैसे बर्बाद होने दूंगा? तुम बोलो मुझे, तुम मेरी हेल्प करो, तुम कुछ करो, किसी को फोन करो। अरे मेरी बात सुनो, अंडरस्टैंड दिस थिंग, हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी अशोक। ओके, रिलैक्स, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। ओके, रूही को किडनैप करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन याद रहे बात मुझ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आई प्रॉमिस, मैं वादे करती हूँ तुम्हारा नाम कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तुम हो ही नहीं इस मैटर में, मैं उसको लेके कहीं दूर चली जाऊंगी, इसको पता ही नहीं चलेगा किसने क्या किया। आई प्रॉमिस, बॉर्डर के पार ले जाऊंगी यार, वो लोग ट्रेस नहीं कर पाएंगे, वो लोकेशन नहीं देख पाएंगे, अब हम कहाँ हैं। प्लीज, पर तुम फोन तो करो यार किसी को, मैं नहीं आने दूंगी ना तुम्हारा।
ओके। हेलो, हाँ एक काम करना है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। एक किडनैपिंग करनी है एक लड़की की, पिक्चर में तो मैं भेज दूंगा लेकिन काम कल हो जाना चाहिए। और याद रहे उस लड़की को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है? बाकी डिटेल्स मैं तुम्हें भेज दूंगा। बाय। रूही कल किडनैप हो जाएगी। अब कर लो शादी इशिता और रमन, क्योंकि रूही अब तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।